have we have to find the product what is given that that is given the expression monomial expression दे रखे हैं आपको starting में product find करने के लिए तो product find करने का एक rule होता है अगर आपने particularly वो rule follow किया तो product में कभी आपकी mistakes नहीं होंगी जैसे first आपको given है find the product ये आपको दो expression दे रखे हैं एक है दो term given है फोर and सेवन पी और इसमें आपको product find करनी है मतलब आपको उसको multiply करना है तो सिंपल राइट करो फोर फोर को मल्टीप्लाई करना है सेवन पे रूल क्या है सबसे पहले साइन की मल्टीप्लीकेशन होती है अगर इसमें जो भी साइन गिवन हो देखो साइन नहीं गिवन है इट मीन्स वहाँ पे प्लस गिवन है तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है डोंट फॉरगेट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन अगर आप साइन की मल्टीप्लीकेशन गलत करोगे तो आपका एक्सप्रेशन की वैल्यू राइट right नहीं आएगी तो सबसे पहले यहाँ प्लस लो ये प्लस लो प्लस प्लस आपकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन करनी है आपको कोफिशियट को कोफिशियन के साथ यहाँ कोफिशियंट आपको कॉन्सटेंट टर्म दे रखी है तो फोर है कोफिशियंट नहीं है और ये सेवन है तो पहले फोर को सेवन के साथ मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी एट देन वेरिएबल की मल्टीप्लीकेशन होती है यहाँ ए की वेरिएबल है तो ये पी हो जाएगा नेक्स्ट में देखो आपको माइनस फोर पी को मल्टीप्लाई करना है सेवन पी के साथ पहले ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस साइन आएगा फोर को मल्टीप्लाई करना है सेवन के साथ तो ट्वेंटी एट आएगा अब करो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई तो p को p के साथ करेंगे तो लास्ट ईयर हमने एक चैप्टर किया था एक्सपोनेंट वाला उसमें कहा था कि अगर देखो मैक्सिमम बच्चे p इन टू पी को टू लिखते हैं वो रॉन्ग है जब आप p को p के साथ ऐड करोगे तब 2p आएगा क्योंकि तब क्या ऐड होते, है? होते हैं कोफिशेंट ऐड होते हैं बट आप p को p के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या ऐड होती है पावर ऐड होती है और पावर किसकी ऐड होती हैं जिनका बेस क्या हो सेम पी की पावर पी की पावर के साथ ही ऐड होगी ऐसा नहीं है यहाँ पे क्यों लिखा हो और आप कहो कि मैम पावर पी क्यू की वन टू हो जाएगी नहीं पी के साथ जो बेस सेम होना चाहिए तब आपकी पावर ऐड होगी और इसकी पावर वन है इसकी पावर वन है तो पी की पावर टू हो जाएगा तो अब यहाँ देखो पी इन पी तो राइट कर सकते हो आप ट्वेंटी एट पी की पावर ये है आपकी मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट की वन आपको माइनस फोर पी दे रखा है इन टू सेवन पी क्यू अब मल्टीप्लाई करना है माइनस प्लस सबसे पहले साइन फोर को सेवन के साथ ट्वेंटी एट अब p को पी क्यू के साथ तो लिखो p इंटू पी इंटू क्यू तो यहाँ क्या आएगा माइनस ट्वेंटी एट पी और p p की पावर टू क्योंकि इसकी पावर ऐड हो गई q सिंगल है तो अकेला रह जाएगा होगा माइनस ट्वेंटी एट पी स्क्वास्ट में गिवन है आपको फोर पी देखो फोर पी की पावर थ्री मल्टीप्लाई विद माइनस थ्री पी प्लस माइनस माइनस फोर को थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया फोर थ्री झा ट्वेल्व अब देखो p की पावर थ्री मल्टीप्लाई विद कोफिशंट आपका p अब मुझे बताओ बेस सेम है ये पावर वन है ये पावर थ्री है पावर ऐड हो जाएंगी ट्वेल्व p की पावर थ्री प्लस वन पावर फोर आ जाएगी समझ में आया कि कैसे हमें पावर जब सेम जब बेस सेम होता तो पावर कैसे ऐड करनी है यहाँ बेस सेम नहीं था तो मैंने p की पावर p की पावर ही ऐड की क्योंकि ये बेस सेम था और q का सेम नहीं था तो मैंने q एज इट इज़ लिखा तो मल्टीप्लीकेशन के यही रूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं नेक्स्ट गिवन आपको फोर पी मल्टीप्लाई ज़ीरो तो सबको पता है जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो ही आएगा ये तो आपका प्रोडक्ट था नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब सबको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ Given, तो विद फॉलोइंग ऑफ देयर लेंथ लेंथ एंड आर गिवन आपको और ब्रेथ दे रखी है एक्चुअल में आपको इनकी क्या फाइंड करनी है प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो एरिया ऑफ रेक्टैंगल आप लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टैंगल होता है लेंथ आपको पी और ब्रेथ दे रखा क्यू देखो साइन देखो प्लस 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 ही आएगा राइट करने की जरूरत नहीं होती है पॉजिटिव को अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव राइट कर दो पी को क्यू के साथ करोगे तो पी क्यू आएगा क्योंकि कोई भी सेम बेस नहीं है दोनों की पावर एक एक है तो एक, -एक आ जाएगी अब इस इसमें अगर आपको एरिया निकालना है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मतलब टेन एम को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ फाइव एन के साथ तो सबसे पहले देखो दोनों पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा टेन को फाइव के साथ किया तो फिफ्टी देखो एम को एन के साथ किया तो एम एन क्यों नहीं ऐड हुई है इसलिए ऐड नहीं हुए क्योंकि इनका बेस सेम नहीं था अब नेक्स्ट में एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो एरिया दे रखा है आपको ट्वेंटी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई फाइव वाई स्क्वायर तो सबसे पहले प्लस 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 ही आएगा ट्वेंटी को फाइव से मल्टीप्लाई कर दो ट्वेंटी को फाइव से मल्टीप्लाई करोगे तो हंड्रेड आएगा फिर एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ अभी भी मैंने कुछ भी पावर ऐड नहीं की क्योंकि बेस सेम नहीं था इसका बेस एक्स है और इसका बेस वाई है तो ये एज इट इज़ रह जाएंगे नेक्स्ट गिवन है आपको एरिया गिवन है फोर एक्स मल्टीप्लाई थ्री एक्स स्क्वायर अब देखो दोनों पॉजिटिव है पॉजिटिव 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 ही आएगा फोर को थ्री के साथ करोगे तो ट्वेल्व और एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ इसकी पावर वन इसकी पावर टू अब देखो बेस सेम है पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी और पावर ऐड होके टू प्लस वन क्या आएगा थ्री अब इसमें आपको एरिया निकालना है तो क्या लिखोगे थ्री एम एन मल्टीप्लाई फोर एन पी रूल सेम है पहले साइन को करोगे तो प्लस साइन आएगा लिखने की नीड नहीं है थ्री को फोर के साथ करोगे तो ट्वेल्व अब देखो आप कर रहे हो मल्टीप्लाई एम एन को किसके साथ एन पी के साथ तो देखो एम और पी तो सिंगल हैं बट एन और एन दोनों की पावर एक एक है तो ये हो जाएगा ट्वेल्व एम एन की पावर टू हो जाएगा क्योंकि दोनों के बेस सेम थे पावर ऐड हो गई और पी तो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट देखो ये आपकी फर्स्ट मोनोमियल है ये आपकी सेकेंड मोनोमियल है आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना है मतलब टू एक्स को टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया टू टू जा फोर एक्स को एक्स के साथ किया तो पावर एड होके स्क्वायर हो गया अब देखो इसके साथ करो पहले टू को प्लस माइनस माइनस साइन लिखो टू को फाइव के साथ किया टेन और x को y के साथ किया तो एक्स वाई इजी है अब इसको इसके साथ करो पहले प्लस 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 ही आएगा तो लिखने की नींद नहीं है टू को थ्री के साथ किया सिक्स एंड एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ करोगे देखो ये एक्स है और वो एक्स स्क्वायर है पावर एड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है एक्स की पावर क्या हो जाएगा टू प्लस वन थ्री अब प्लस माइनस माइनस फोर को टू के साथ करोगे एट अब देखो ये x है x को x के साथ करोगे तो x की पावर टू क्योंकि बेसेम है पावर ऐड हो गई देन y अकेला है तो y को एज इट इज राइट कर दो अब टू एक्स को सेवन एक्स स्क्वायर वाई के साथ करना है तो टू सेवन जा आपका फोर्टीन हो गया इस x को एक्स स्क्वायर के साथ करोगे तो x की पावर थ्री हो जाएगा और साथ में y है y की कोई और अदर नंबर नहीं है तो एज इट इज अब प्लस माइनस माइनस आपका एटीन आया एक्स को एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर थ्री और वाई इट इज तो आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है और टेबल कंप्लीट करनी है अब फाइव वाई को इन सबके साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस यहाँ माइनस लिखो फाइव टू 10 टेन हो जाएगा और y को x के साथ करोगे तो एक्स वाई सिमिलरली माइनस माइनस प्लस 5 को 5 के साथ करोगे तो 25, फाइव वाई को वाई के साथ करोगे तो स्क्वायर एज इट इज़ आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई देन कंप्लीट योर टेबल बाय मल्टीप्लीकेशन नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में गिवन है ऑप्टेंट द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको कुछ बॉक्सेस दे रखे हैं आपको उनका वॉल्यूम निकालना है तो आपको पता है उनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है आपका लेंथ ब्रेथ इन हाइट अब लेंथ आपको गिवन है कितनी है फाइव ए एंड ब्रेथ गिवन है थ्री ए स्क्वायर एंड सेवन ए फोर हमारा रूल चेंज नहीं होगा प्रोडक्ट फाइंड करने का सेम एज इट इज रहेगा पहले हम साइन की करेंगे प्लस 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 तीनों ही प्लस हैं तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा नो नीड टू राइट अब नेक्स्ट आप कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई करो फाइव को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे थ्री के साथ देन सेवन के साथ अब वेरिएबल पे आ जाओ ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए की पावर फोर अब देखो फाइव थ्री चाहे फिफ्टीन फिफ्टीन सेवन जब वन हंड्रेड फाइव होता है और इनके सबके बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी और ये ए की पावर कितना हो जाएगा फोर प्लस थ्री सेवन तो ये आपका आंसर आ गया सिमिलरली एक पार्ट मैंने छोड़ दिया है आई विल टेक अनदर पार्ट थर्ड पार्ट तो ये केस वही है सॉल्व आपको ऐसे ही करना है इसका वॉल्यूम निकालते हैं इसका वॉल्यूम भी क्या है लेंथ ब्रेथ और हाइट इन दिस केस लेंथ इज गिवन एक्स वाई एंड ब्रेथ इज गिवन टू एक्स स्क्वायर वाई एंड हाइट इज गिवन टू एक्स वाई स्क्वायर सबसे पहले साइन देख लो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा अब कोफिशेंट ले लो इसका वन है इसका टू है इसका भी टू है अब x को लो ये x है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ओनली x है अब y ले लो ये y है इन वाई है और वाई स्क्वायर है अब देखो टू टू जहा फोर एक्स की पावर वन वन टू सेम बेस से है पावर ऐड हो जाएंगी x की पावर क्या हो जाएगा फोर यहाँ y की पावर वन प्लस वन टू टू प्लस टू फोर कोई मिस्टेक होगी नहीं अगर आप प्रॉपरली करोगे तो नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज गिव इन दैट ऑपनेंट द प्रोडक्ट डायरेक्ट दे रखा आपको इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस गिवन मोनोमियल इनको मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है वाई जेड के साथ इन टू एक्स के साथ अब कुछ नहीं करना आपको ये चेक करो एक्स और एक्स दोनों का बेस सेम है पावर ऐड हो गई एक्स स्क्वायर वाई और वाई वाई स्क्वायर जेड और जेड जेड स्क्वायर क्योंकि इसमें तो तीनों पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव आना था कोफिशन तीनों का वन था तो वन आना था तो हमने डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दी वेरिएबल की अब यहाँ जो इनकी प्रोडक्ट निकालोगे ए माइनस ए स्क्वायर और ए क्यू पहले साइन प्लस माइनस 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 प्लस माइनस साइन माइनस आएगा इसका मतलब आपका साइन की टेंशन ख़त्म अब कोफिशन देखो तीनों के वन है तो वन ही आएगा नी नहीं है राइट करने की अब ए ले लो ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यू देखो सबके बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स तो सिंपल आंसर आ गया माइनस ए की पावर सिक्स अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ए इंटू टू बी इंटू थ्री सी इंटू सिक्स ए बी सी इस केस में भी सभी पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा अब देखो अब इसमें कोफ़िशेंट वन है वन इंटू टू इन टू थ्री इन टू सिक्स पहले कोफ़िशेंट निकाल लिए अब ए को देखो यहाँ पे है ए ये एक ए और है फिर बी को बी एक बी और है देन सी एक सी और है आपने क्या किया पहले ए ए को इकट्ठा किया फिर बी बी को फिर सी सी को अब डायरेक्ट लिखो थ्री टू जा सिक्स 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 जा थर्टी सिक्स बे सेम है तो पावर एड हो जाएंगी ए की पावर टू बी की पावर टू और सी की पावर टू अब हम इसकी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं देखो जब इसकी आप प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस साइन माइनस का आएगा m को m m m, m. कितने m में वन टू थ्री तो पावर ऐड होके क्या हो जाएगा थ्री एन कितने हैं आपके वन एंड वन एन की पावर टू p सिंगल है तो इसका आंसर आएगा m की पावर थ्री n की पावर टू एंड p दिस इज द सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल सो आई होप यू कैन डू दिस एक्सरसाइज बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन हैव अ गुड डे